एक तो भाई अपना लैपटॉप इतना भारी ऊपर से इतना स्लो भाई आज प्रॉपरली भाई विंडोज इंस्टॉल करते हैं रॉकेट बनाते हैं लेट्स गो वैसे दोस्तों पीसी फास्ट करना तो एक बहाना है एक्चुअली भाई मेरी ना विंडोज काफी टाइम हो गई थी और इसके बाद ना अटकने वाला सीन मतलब यार नॉर्मली अब विंडोज अपनी चल रही है इतने एप्लीकेशन डाल दिए थे मैंने की अब हटाने जाऊंगा उससे उस अच्छा री कर देते हैं विंडोज को प्रॉपरली अब मेरे साथ रिसेंटली हमने एनवीएम एस एस डी भी ली थी आई बटन से देख सकते हो तो उसको भी भाई री करना था भाई साहब मतलब उसको यार यूज ही में नहीं आ रहा था क्योंकि विंडोज इंस्टॉल करनी थी पूरी आज वो दिन आ गया तो प्रॉपरली हम लोग विंडोज इंस्टॉल करेंगे लेटेस्ट वर्जन करते हैं बाकी आपको मैं अलग अलग मेथड भी दिखा दूंगा लाइक अगर आप बीटाई ये सब करना चाहते हो तो मोस्टली यार सारे प्रोसेस इन डिटेल देखेंगे बस जुड़े रहना वरना कहीं दिक्कत हो जाए आपको तो चलते हैं ऑन डेस्कटॉप फर्दर देखते हैं तो लेट्स ओके okay, दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो भाई आपको पेन ड्राइव अपनी लेनी पीसी में इसको सिंपली मैं कनेक्ट कर देता हूँ पहला फर्स्ट स्टेप हो गया बहुत इजी प्रोसेस अब इसको लगने दो अब हमें क्या करना है सिंपली कोई भी ब्राउजर ओपन कर सकते हो बस ब्राउजर में आपको लिख देना है भाई डाउनलोड विंडोज इलेवन बस इतना लिख दो ये आपको टॉप पे ही हमारे यार माइक्रोसॉफ्ट वालों का लिंक मिल जाएगा इलेवन जरूर लिखना पड़ना टेन आ जाता है ज्यादातर सर्च जाता है ना टेन के अब ये देखो यार टॉप पे आ गया बस क्लिक करते हैं अब यहाँ सबसे पहले हम लोग एक पेज पे पहुंच जाएंगे हो सकता है ये पेज आया डायरेक्टली आप विंडोज इलेवन पे पहुंच जाओ सारे वर्जन आ गए अब इलेवन हम लोग सेलेक्ट करते हैं और हम इस पेज पे आ जाएंगे अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना अगर आपको प्रिव्यू करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो इनसाइडर प्रीव्यू हो गए या फिर आपको लेटेस्ट वाला करना है तो मोस्टली जो स्टेबल है वो यहाँ पे मिल जाता है आपको देख रहे हो ना ये जितने भी आ रहे हैं तो आप डायरेक्टली आई भी कर सकते हो या फिर ये मीडिया क्रिएशन टूल इनका बहुत अच्छा है तो मैं इसी को सेलेक्ट करता हूँ डाउनलोड कर लिया मैंने मीडिया क्रिएशन टूल यहाँ पे और हेयर यू कैन सी ओके अब इस पर डबल क्लिक करना है सिंपली यस कर देंगे हम लोग यहाँ पे परमिशन में मीडिया क्रिएशन टूल का यही फायदा है कि भाई हम लोग डायरेक्टली रूफू की जरूरत नहीं है ISO में फिर रूफूज डालना पड़ता है, ये सीन हो जाता है। बस पहले स्टेप में रेडी कर रहा है तो रेडी यार क्योंकि हमने पेन ड्राइव सेलेक्ट करी है तो बिल्कुल सर वरना आई भी आप कर सकते हो अब फ्लैश ड्राइव डायरेक्टली करता हूं नेक्स्ट ये मेरी यार जो अभी मैंने लगाई थी पेन ड्राइव आपके सामने वो आ गया बस इसको नेक्स्ट कर दूंगा हो गया अब ये बेसिकली सबसे पहले डाउनलोड करेगा इस पर माउंट भी कर देगा आपको कुछ भी नहीं करना सारा प्रोसेस

आराम से बैकअप हो जाएगा ये चीज है बाकी मैंने सब कुछ कर लिया तय है अपना पूरा क्लीन इंस्टॉल करेंगे बाकी चलो अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा यार जब तक ये चीज डन हो जाती है ये दोस्तों एक बार बूटेबल ड्राइव बन गई तो ऐसा मैसेज आ जाएगा बस हो गया अब सारा काम अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ अपने पीसी को करूंगा भाई रिस्टार्ट और अब मैं पहुंच जाऊंगा बायोज में अच्छा बायोज की पूरी सेटिंग आपको आनी चाहिए भाई इस प्रोसेस के लिए और मेरे बायोज यार एफ से खुलता है वैसे अगर बायोज के बारे में आपको कुछ नहीं पता है ना तो आई बटन पर आपको प्रॉपर वीडियो मिल जाएगी वहां से हमने कंप्लीटली इन डिटेल सब कुछ बात करी है यू कैन चेक डेट अब बायोज में आगे बूट डिवाइसेस पे आ गया हूँ अब मैं बूट किससे करूंगा yes ये की अपनी ये पेन ड्राइव है ना यू मोड में करूंगा बूट अब यहाँ पे ये बूट होना शुरू हो गया मतलब विंडोज इंस्टॉल प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल हमें भाई यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है उसके बाद नेक्स्ट कर दो अब यहाँ पे इंस्टॉल आएगा डायरेक्टली इंस्टॉल पे क्लिक कर देना उसके बाद भाई एक एक्टिवेशन एक 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 विंडो आती है हो सके तो आप यार एक्टिवेशन की यहाँ डाल दो तो एक्टिवेट विंडोज मिलेगी वरना आई डो नॉट है आगे आपको फ्यूचर में करनी पड़ेगी अब यहाँ देखो विंडोज इलेवन प्रो सबसे बेस्ट रहती है तो मैं आपको भी प्रेफर करूंगा विंडोज टेन प्रो ही डालना सारे फीचर मिल जाते हैं वरना यार होम वोम में कुछ चीजें कमी रह जाती है नेक्स्ट कर देता हूं अब यहाँ पे कुछ चीजें हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी इनको करना जरूरी है बॉस अब यहाँ पे देखो आप डायरेक्टली अपग्रेड कर सकते हो इसमें आपकी कोई भी फाइल्स डिलीट नहीं होती है ये टॉप ऑप्शन में ठीक है अगर आप वैसे करना चाहते हो वो भी कर सकते हो बट एडवांस में आप फाइल्स डिलीट करके प्रॉपरली कर सकते हो वही मैं करूंगा अब मैं अपनी सारी ड्राइव को बेसिकली पूरी तरीके से क्लीन कर देता हूँ डिलीट फॉर्मेट जो करना चाहूँ मैं फटाफट करता हूँ मैंने सारी पार्टीशन यहाँ पे डिलीट कर दी और अब आप देख सकते हो एक यार नाइन थर्टी वन जीबी मेरी एक यार हार्ड ड्राइव है वो आ रहा है उसके नीचे एक एस आ रही है जो मेरी साठा एस है एक और उसके नीचे आ रहा है ये हमारा सबसे बेस्ट है मतलब M.2 NVMe SSD तो ये टू फिफ्टी सिक्स जी बी थी तो ये इतनी मिल रही है तो बस इसमें मैं यार नेक्स्ट कर दूंगा और इसमें विंडोज इंस्टॉल करते हैं प्रॉपरली एस एस डी में मोस्टली भाई अगर आप टाइम नोटिस करोगे तो दो से तीन या चार मिनट मैक्सिमम टाइम लगता है इंस्टॉल होने में हार्ड ड्राइव में एट मिनट तक लग सकता है लीजिए सर विंडोज अपनी इंस्टॉल हो गई है अब यहाँ पे ये यह रिस्टार्ट कर रहा है इतने में हम लोग चाहूँ चाहे तो भाई अपनी पेन ड्राइव निकाल देते हैं पर नहीं बार बार भाई पेन ड्राइव भी बूट कर सकता है तो इसलिए बेस्ट रहेगा और यहाँ पे हमारी विंडोज अब बूट हो रही है भाई इनिशियली स्टार्टिंग में भाई टाइम लग सकता है थोड़ा वेट करना होगा आपको फर्स्ट लुक आ चुका है भाई हमारा विंडोज़ का और अब यहाँ पे हमें थोड़ी सी चीजें सेटअप करनी पड़ती है लाइक like सबसे पहले कंट्री कनेक्टेड इसने खुद उठा लिया है क्योंकि हम लैन यहाँ पे यूज कर रहे हैं ये कुछ डिफॉल्ट चीज़ें है इसको आप अपने हिसाब से यार कस्टमाइज कर सकते हो फिर माइक्रोसॉफ्ट की आई डी लॉग इन कर दो फॉर बेस्ट एक्सपीरियंस एक्सपीरियंसिलेक्ट करने के बाद भाई यहाँ पे आपके पास लास्ट में टर्म्स एंड कंडीशन आती है अगेन भाई इसको सबको नेक्स्ट करके एक्सेप्ट करो और कुछ चीजें आपसे पूछ लेता है किस तरीके से आप इसको यूज करोगे बस ये सब करने के बाद हो जाता है मोस्टली काम पहला हाँ हमें देखने को दिख गया है तो लीजिए सर हमारी विंडोज फाइनली चल गई है ब्रांड न्यू अगर दिखाऊ मैं आपको तो सारा कुछ लोडेड हो गया आईडी अपनी आ रही है और राइट नाउ मैं आपको दिखाऊं तो मेरी सिर्फ एक ड्राइव यहाँ पे दिखा रही है बेसिकली मेरे को करना पर क्या पड़ेगा भाई डिस्क मैनेजमेंट में जाके बाकी जो ड्राइव्स है ये देखो यार ये सब अनएलोकेटेड है ना बस इसको सिंपली मेरे को यार एलोकेट कर देना एंड एवरीथिंग इज देन सेट इट आउट यार देख रहे हो